उनको मन पर बुलाने का आग्रह किया है। जो बंधु हमारे इधर साइड में खड़े हुए हैं, उन सपना की सबसे सर्वोच्च संस्था बिंद समाज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ग्वालिया गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, भारत माता की, भारत माता की। इस्मानी आदरणीय चाचा जी अध्यक्षा करते हैं, श्री श्री अति मैत्री परम फतेह दीदी सुषमा जी और आपके अध्यक्ष साक्षी हैं कि जो गौरव और प्रतिष्ठा उन्होंने भारत की विश्व में बनाई है, सबसे पहले तो जमींदार बेटियों को कहना हम भारत की नारी है, फूल और चिंगारी। क्या बात, अगर हम केवल चिंगारी में इससे गले की आपने वोट के हाथ अब रही मोदी जी की बात। बीच में जब आपका स्वास्थ्य खराब हुआ पूरा देश स्तब्ध, करोड़ों लोग एम्स की तरफ देख रहे थे, कब सूचना है चिकित्सकों की कि आप पूरी तरह से स्वस्थ, लोग दुआएं मांग रहे थे ईश्वर से, आप स्वस्थ होकर के आई, पूरा देश खुशी के मारे झूम पड़ा। आज मेरे चुनाव प्रचार में आप आई है, मेरे पास शब्द नहीं है मैं कैसे स्वागत करूं। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में मेरी आप गुरु हैं, संसद में मुझे काम करने का जो तरीका सिखाया सचमुच आज जो कुछ भी सीख पाया हूं तो आपके सानिध्य में रहते ही सीख पाया हूं। कैसे सवाल उठाने होते हैं क्षेत्र के, कैसे लोगों की भावनाओं को संसद तक पहुंचाया जाता है और कैसे सत्ता पक्ष को अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव बनाया जाता है, वो सब आपसे मैंने सीखा कि जो गौरव और प्रतिष्ठा उन्होंने भारत की विश्व में बनाई है, आज विश्व के अग्रणी पार्टी के नेताओं में गणना की जाती है। और सच तो यह है कि आज वो विश्व का एजेंडा तय करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करना। मैं साक्षी हूं इस बात की, सितंबर 2014 में तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित कर रहे थे। उस मंच से उन्होंने केवल एक इच्छा प्रकट की कि 21 जून का दिन पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने उनकी इच्छा को परवान चढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव दिया। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं, 193 में से 177 देश सहित आयोजित हैं, और बकाया 16 देशों ने भी विरोध नहीं किया। मात्र 75 दिन के अंदर, रिकॉर्ड है संयुक्त राष्ट्र का, मात्र 75 दिन के अंदर संयुक्त राष्ट्र से निर्विरोध यह प्रस्ताव पारित हुआ कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया। और आज भारत के योग का डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है, तो जहां जाती है राजनीतिक भाषण के साथ साथ भारत के संस्कृति का, भारत के दर्शन का पाठ समझाते हैं और विश्व को बताते हैं कि जितनी चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं, आतंकवाद की, जलवायु परिवर्तन की,
भारतीय संस्कृति में इस सबका समाधान दिखा, तो भारतीय संस्कृति का डंका बजाने वाले भी प्रधानमंत्री मोदी विश्व के बड़े यशस्वी नेता के रूप में जाने। तो मेरी आपसे अपील है कि हमें पहले से ज्यादा बहुमत देकर उनके हाथों को मजबूत करना है, प्रधानमंत्री बनाना है। मैंने आपसे कहा था एक बटन से दो काम, उस दिन कंजूसी मत करना, दोनों लड्डू खिलाना सबको। जब जीत के जाओगे आप सांसद बनोगे गणेश जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, एक लड्डू आपके नाम का, एक लड्डू मोदी जी के नाम का। तो दो लड्डू खाने के लिए समर्थन का बटन दबाओ, गणेश जी को सांसद बनाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। यही अपील करके आपके बीच से जाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।